जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं, बस शाम को इतना पता चल जाता है कि एक के दो हो गए, एक के दस हो गए, एक के दस लाख हो गए, दस के इक्कीस हो गए, यही आनंद है। वही खाता लिखा गया, इतना बढ़ गया। वैसे अगर हम सोचें कि हमारे देश में जिनकी 25,000 30,000 माहवार की आमदनी है, वह सब प्रकार संपन्न हों और अधिक की पैसे की क्या आवश्यकता, मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यापारी जिनकी तृष्णा का अंत नहीं, कर्जदार पैदा हुए। पहले जन्म में इन्होंने कर्ज लिया था, इनके जो बच्चे हैं असली सुख वो उठा रहे हैं। किसी के पास एक कार, किसी के पास दो कार, किसी के पास तीन, कोई अशोका होटल, कोई ताज होटल, ऐश वो करते हैं। सुख उस पैसे का उनके बच्चे उठा रहे हैं। उस बेचारे को तो चिंता है इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की। तो ये कर्जदार थे, अब कर्ज चुका रहे हैं उनका, जो इनकी संतान बनकर आए हैं। लेकिन ऐसों के लिए भी इन संतों ने बड़ा सुंदर तरीका बतलाया कि अगर कोई काम ऐसा है जो बार बार करते हैं तो आपका काम बन जाए। अगर आपका शॉपिंग सेंटर है, वहाँ वही खाता लिखते हैं, जब वही सामने आए तो कहिए ओम, लिख डालिए कहिए ओम। अगर कैश गिनने का काम है तो कैश हाथ में लीजिए कहिए ओम, गिन के डालिए कहिए ओम। हज़ार बार गिना, 2,000 बार परमात्मा का नाम, और जो 2,000 बार परमात्मा का नाम लेगा हमेशा उसे ये ख्याल बना रहेगा। ऐसे बहुत से काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं तब भी काम बन सकता है। बहुत सुंदर। उसके बाद बाकी बिजनेसमैन ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा वक्त हमेशा काम रहता हो, कभी होता है कभी नहीं। आप अपनी दुकान पर जाइए, सामान ठीक कीजिए, धूप बत्ती जलाइए, आँख खोलकर ईश्वर की याद में लग जाइए। और जब ग्राहक आ जाए तो अपने इष्ट देव को छोड़ दीजिए, ग्राहक से लग जाइए। जब ग्राहक संतुष्ट होकर चला जाए तो ईश्वर की याद में लग जाइए। बेकार गप्पों में अपनी ज़िंदगी का लापरवाह समय खराब ना कीजिए, या तो काम कीजिए या फिर ईश्वर की याद। अगर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक दुकान पर रहते हैं, उसमें से आराम भी करते होंगे, भोजन भी करते होंगे। अगर 12 घंटे में 6 घंटे ग्राहक आया, 6 घंटे नहीं आया, 6 घंटे ईश्वर की याद, 6 घंटे दुनिया का काम, कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे दुनिया आज आपकी चल रही है वैसे ही रहेगी। जोर इस बात पर है कि अपनी ज़िंदगी का कोई भी समय खाली बर्बाद नहीं करना। अगर दुनिया के काम करते हैं तो कोई हर्ज नहीं, और अगर परमात्मा का नाम लेते हैं तब तो और ही अच्छी बात है। तो हमने देखा कि बड़े आराम से अगर व्यापारी चाहे तो 10 के 16 घंटे बड़े बना सकता है। इसमें 6 घंटे परमात्मा के नहीं हैं जिसमें वो व्यवसाय का काम करता है। अब हम आते हैं अगले तबके पर, बुद्धिजीवी वर्ग, डॉक्टर्स, रिसर्च स्कॉलर, दफ्तर में काम करने वाले लोग। इनकी ड्यूटी 7 घंटे की होती है, 7 घंटे से ज़्यादा इनकी ड्यूटी होते नहीं। 7 घंटे के ड्यूटी आवर्स में 1 घंटा लंच का, 15-15 मिनट चाय के, ये तो ईश्वर को देना ही है। जैसे ही भोजन आपके सामने आए अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, उसी की याद में खाइए। उसके बाद आराम कुर्सी पर लेटिए, बड़े आराम से आँख मिचिए और अपने इष्ट देव को याद करिए। अगर ऐसा करेंगे तो माइंड इतना रिफ्रेश हो जाएगा कि लंच के बाद आफ्टरनून में जो काम करेंगे थकान महसूस नहीं होगी और काम की क्षमता बढ़ेगी। 15 मिनट दोपहर के बाद चाय का, दोपहर से पहले 15 मिनट चाय का, आधा घंटा
बड़े आराम से परमात्मा को दिया जा सकता है। इस 7 घंटे में से 1.5 घंटा ईश्वर की याद बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर ऐसा तो होता नहीं कि हमेशा काम होता हो, कभी होता है कभी नहीं। अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं जहाँ निरंतर काम बना रहता है, लेकिन अधिकतर जगहें ऐसी होती हैं जहाँ हमेशा काम नहीं होता। सुबह दफ्तर जाइए, बड़े प्यार से अपने दोस्तों से मिलिए, कोई चुटकुला हो तो सुना दीजिए रीडर डाइजेस्ट का, ताकि सब खुश हो जाएं। जब सब खुश हो जाएं, आप अपनी सीट पर आइए, अपना काम कीजिए। काम ख़त्म हो जाए तो आँख खोलकर ईश्वर की याद कीजिए, अब काम आ गया, काम से लग जाइए पूरी लगन के साथ। काम ख़त्म, भगवान की याद कीजिए, किसी को शुभ ना हो कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को जाहिर ना कीजिए। अगर जाहिर करेंगे तो नहीं बनेगा। आपने लोगों से कहीं कहना शुरू किया कि दफ्तर में बैठकर मैं भगवान का नाम लेता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो आपको दफ्तर में काम नहीं करने देंगे। कोई कलम फेंक के मारेगा, कोई चाक फेंक के मारेगा, कोई स्वामी जी, कोई भक्त जी, कुछ ना कुछ आपको काम नहीं करने देंगे। बड़ा सतर्क रहना है, अपने आप को छिपाना है, छिपा कर अभ्यास करना है। और गलती से कहीं आँख लग गई तो अड़ोसी पड़ोसी यही कहेगा कि सेकंड शो पिक्चर का देख के आया है, इसलिए उग रहा है। जब काम ख़त्म, ईश्वर की याद, काम आया, उसमें लग गए। इन संतों ने बड़ी सुंदर बात बतलाई कि हम हर चीज़ की कीमत आँकते हैं। कपड़े की कीमत कितने रुपए मीटर, ज़मीन की कीमत इतने वर्ग मीटर, और हर मकान की, दुकान की, हर चीज़ की कीमत आँकते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम अपनी कीमत नहीं आँकते, कि हमारी कीमत क्या है। हम कोशिश भी नहीं करते कि अपनी कीमत आँकें, कि हमने क्या किया अपनी ज़िंदगी के लिए, कभी नहीं आँकते। इन संतों ने कहा कि बड़ा जीवन बहुमूल्य है, ज़िंदगी का एक भी क्षण खराब ना करें। उनकी सलाह है, बेशक दुनिया का काम करें, कोई हर्ज नहीं। एक साइंटिस्ट है, दुनिया का कल्याण होने वाला है, कोई नई चीज़ निकलेगी, कोई नई फील्ड में आएगी, लोगों को फ़ायदा होगा, इसका नुकसान नहीं। नुकसान तो इसका तब है जब अपनी ज़िंदगी का समय बेकार करें, उसका हर क्षण इस्तेमाल करें, या तो दुनिया का काम करें या ईश्वर का नाम। कोई भी क्षण खाली है उसे अपने इष्टदेव को दे, पूरी लगन के साथ जब काम हो, परमात्मा को दे जब खाली समय। और असली चीज़ भावना की है। अगर हम केवल तनख्वाह के लिए काम करते हैं तो कभी संतोष नहीं होगा, हमारा दिल जलता रहेगा हमेशा, लगता रहेगा। तो हमने देखा कि कोई भी दफ्तर में काम करने वाला आदमी 6 घंटे या 8 घंटे काम करता होगा, 24 में से 8 घंटे घटाइए तो 16 घंटे बचते हैं। 16 घंटे हर ऑफिस में काम करने वाला आदमी बड़े साधक, बड़े आराम से अपने बना सकता है। 16 घंटे ईश्वर का ध्यान, 8 घंटे दुनिया का काम। स्किल्ड वर्कर्स जो कारखानों में काम करते हैं, अगर कारखानों की वर्किंग देखें तो उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है और बड़े आराम से परमात्मा की याद कर सकता है। उसमें एक बड़े बड़े कारखानों में तरह तरह की मशीनें लगी होती हैं, कई कटिंग मशीन है, पत्तियां काट रही है, लेत मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, छेद कर रही है। उस पर काम करने वाले लोग स्किल वर्कर्स हैं। यदि कोई मशीन का ऑपरेशन खाली ना जाए, उनकी एफिशिएंसी है, मशीन 100% काम करे। अगर कोई कटिंग मशीन पर शीट लगा रहा है तो ऐसी पोजीशन पर शीट लगाता जाए कि
कि ठीक जगह ड्रिलिंग होती चली जाए। ज़्यादातर ऐसे ही काम होते हैं, जहाँ ऐसे काम होते हैं टाइम नंबरेशन व भगवान का नाम लेना आसान होता है। हरिओम शीट लगाइए, हरिओम शीट लगाइए, हरिओम शीट लगाइए, ऐसा करते चले जाइए, 100% काम होगा, निरंतर भगवान की याद बनी रहेगी। आधे 8 घंटे की ड्यूटी में आधा घंटा, दोपहर की छुट्टी, भोजन की 15-15 मिनट के 2 बार टी ब्रेक्स, ऐसे स्किल्ड वर्कर्स जिनके टाइम्ड ऑपरेशन हैं वे सारी ड्यूटी भगवान की याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। उनका जीवन कितना सुंदर में बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, कितना संतोष का बन जाए, कितनी कार्यक्षमता बन जाए। अगर कारखाने का कर्मचारी इसलिए काम करता है कि उसे पैसा मिले, कितनी तनख्वाह उसको दे दी जाए, हमेशा जलता ही रहेगा, सोचेगा कि मालिक की तो कोठी बन गई, हम वर्कर हैं काम वाले, हमारा तो गुजारा ही नहीं होता। अपने सीनियर से जलना, बराबर वाले से जड़ना कुड़ना असंतोष, जो पैसा पाता है शराब में खर्च करता है, सिनेमा में बर्बाद करता है, तो एक भावना लाने की आवश्यकता है, भावना में जीवन बनाने की आवश्यकता है। अगर ये वर्कर ऐसे सोचें कि मैं कारखाने में काम करता हूँ, मशीनें तैयार होंगी, देश का प्रोडक्शन बनेगा, सबको चीज़ें मिलेंगी, हम आत्मनिर्भर होंगे, हर देश का मुकाबला कर सकेंगे, भावना वाली बात है, भावना से जीवन बदल जाता है। और बहुत सुंदर समय है हर इंसान के पास कि बड़े आराम से, हर साधक के पास कि बड़े आराम से अपना समय व्यतीत कर सकता है। उसके बाद ये करते करते अब क्या है कि हमने देखा कि हर काम बड़े आराम से किया जा सकता है। दुनिया के साधारण काम आपने भक्त माल पढ़ी होगी, कोई संत था, बड़े अच्छे संतों का जिक्र है, बड़े ऊंचे ऊंचे संत हुए, कोई संत था तोलते तोलते जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया, अपनी तराजू सीधी रखता, भाव ठीक रखता, बच्चा आए तो कम नहीं तोलता, बड़ा आए तो कम नहीं तोलता। आप देखें तो संतों की गाथा भरी पड़ी है। दुनिया का साधारण काम करते करते ऐसी ऊंची गति को प्राप्त हुए, सेना नाई का काम करते थे, सोचा मैं सबके सिर का मैल निकालता हूँ, सबका सिर साफ करता हूँ, बाल काटकर अपना सर भी ठीक कर लूँ, अपने सिर में जो गंदगी है द्वेष जलन उसे साफ कर लूँ। सदन कसाई, कसाई का काम करते करते संत हो गए, गोरा कुमार बर्तन बनाते बनाते हंडिया ठोक ठोक कर बजाते बजाते इतना बड़ा संत हो गया कि अपनी थपकी से बताने लगा कच्चा या पक्का। और इन संतों ने अपने भगवान की मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई। भगवान श्री कृष्ण ने राजसु यज्ञ में पत्तल उठाने का काम किया और महाभारत के युद्ध में रथा का। जब सब सो जाते अपने घोड़ों का खरारा कराते और अगले रोज के लिए तैयार करते, उन्होंने अपने भगवान की मूर्ति बनाई, वह भी कर्मयोगी की। तो जब तक कर्म आपके भगवान के अर्पण नहीं हो जाते तब तक 24 घंटे भगवान की याद नहीं हो पाती, अभ्यास से नहीं होगा। यही सच्चा अभ्यास है, रियल अभ्यास तो यही है, हमारा ऐसा जीवन बन जाए ईश्वर में कि एक भी मिनट परमात्मा की याद के ना भूले। 16 घंटे की बात क्या, हर समय
ईश्वर की याद बनी रहे। पांचवा वर्ग है देवियों का। वो देवियाँ जिन पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, उनके दो विशेष काम हैं, एक भोजन बनाना और कराना, दूसरा बच्चों की देखभाल करना। ये दो खास काम हैं। पहले ज़माने में जो हमारी माताएं थीं, जब भोजन बनाती थीं तो अपने ईश्वर की याद में बनाती थीं, और उन्होंने ये नियम निश्चित किए थे कि अगर नमक डालेंगे तो ये मंत्र बोलेंगे, पानी डालेंगे खाना बनाते हुए तो ये मंत्र बोलेंगे। जब पानी डालती तो कहती सीताराम की रसोई, सीताराम यज्ञ, ये जो हम बना रहे हैं यज्ञ के लिए बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, भगवान को नैवेद्य चढ़ाएंगे, फिर सब भगवान का प्रसाद समझकर खाएंगे, परमात्मा की गहरी याद में। अब भोजन का मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है, भोजन के विचारों से बना हुआ है, किस भावना से खिलाया जा रहा है इसका मन पर बड़ा भारी असर पड़ता है। क्रोध में भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए। अगर गुस्सा आ रहा है तो भोजन बनाना बंद कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं। शांत स्वभाव से भोजन बनाइए। गुस्से में बनाएंगे जो उस भोजन को पाएगा उसमें क्रोध पैदा होगा, कलह पैदा होगी। प्रेम और शांति के साथ भोजन बनाया जाए। हर काम भोजन बनाने का ईश्वर की याद में करिए, परमात्मा की याद में करिए। भोजन तैयार हो जाए तो भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद ईश्वर की याद में खिलाइए। ऐसे भोजन को जो पाएगा उसके हृदय में राम नाम अपने आप जागृत हो जाएगा। भोजन बनाने का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो परमात्मा की याद में नहीं किया जा सकता हो, सब भगवान की याद में कर सकते हैं। दूसरा विशेष काम बच्चों को रखना। बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, बहुत गलत काम करते हैं, नहीं करना चाहिए। दूसरा बड़ा काम बच्चों को रखना। बच्चों को रखने का काम बड़ी जिम्मेदारी का है। अगर इसे ध्यानपूर्वक नहीं किया जाता तो मुश्किल हो जाती है, अगर ध्यानपूर्वक किया जाए तो बच्चे ठीक रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि छोटे बच्चे की माँ उसको ये समझे कि ये बाल रूप भगवान है, बाल भगवान है, बाल भगवान समझकर वस्त्र पहनाए, बाल भगवान समझकर उसको रिलाए, बाल भगवान समझकर उसको खाना खिलाए, बाल भगवान समझकर उसको लोरियां देकर सुनाए। एक तो ऐसी देवी का हृदय परमात्मा से लगा रहेगा, दूसरे ऐसे प्यार से जो बच्चा पलेगा आध्यात्मिक धुरंधर होगा। जितने बड़े व्यक्ति हुए हम देखते हैं इतिहास में, उनकी माता का उनको बनाने में बड़ा हाथ रहा। ये बात सच है, जो माँ संस्कार बचपन में डाल देती है वो अमिट रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। जो छोटे बच्चे सत्संग में आते हैं, बैठो सत्संग करो, आँख मीचो भगवान का ध्यान करो, छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर भजन गाते हैं, अगर ऐसे बच्चों को रखेंगे तो बहुत कल्याण होगा। उनके दो विशेष काम हैं, अगर ये काम कर लें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810 239677